नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मार्च में फिर बड़ी कोरोना की रफ्तार। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 26,000 से ज्यादा नए मामले, 118 लोगों की हुई मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,19,000 से ज्यादा हुई। अब तक 1,58,725 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में 2,99,00,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी हड़ताल पर। केंद्र सरकार ने बजट में 2 बैंकों और 1 बीमा कंपनी के निजीकरण का दिया प्रस्ताव। 9 बैंक यूनियन के केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के ने की हड़ताल की घोषणा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। बंद हॉल के कार्यक्रम में 200 लोगों की ही एंट्री। महाराष्ट्र से आने वालों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोकोटोको का लेकर चलाया जाएगा अभियान। ममता बनर्जी के चोटिल होने पर चुनाव आयोग ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक को किया निलंबित। जिला अधिकारी विभू गोयल भी हटाए गए। चुनाव आयोग ने नहीं माना हमला, कहा ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। लातूर और उस्मानाबाद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी दे चुके हैं राज्य में लॉकडाउन लगाने की चेतावनी। रविवार को देश भर में सामने आए थे कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले। नागपुर में आज से फुल लॉकडाउन। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों द्वारा प्रदर्शन स्थलों पर पक्के निर्माण का किया विरोध। पक्की दीवार खड़ी करने और बोरवेल की खुदाई करने को लेकर हरियाणा पुलिस ने दर्ज किए हैं मामले। कृषि बिल के विरोध में पिछले नवंबर से किसान कर रहे प्रदर्शन। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया किसानों का समर्थन। बोले एमएसपी पर कानूनी मान्यता दे सरकार। राकेश टिकेट की रुकवाई थी गिरफ्तारी। भाजपा पर किया तंज। किसान फसल बेचने आता है तो लाठीचार्ज हो जाता है। केरल में टिकट न मिलने से नाराज महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मुंडवाया सिर। महिला कांग्रेस की केरल इकाई की अध्यक्षता लतिका सुभाष ने अत्तुमुनर सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद दिया पद से इस्तीफा। कांग्रेस ने किया 86 उम्मीदवारों का ऐलान जिसमें शामिल है केवल 9 महिलाएं। एनएसपी प्रमुख शरद पवार ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर कही बड़ी बात। बोले असम में भाजपा सत्ता में बनी रहेगी, अन्य राज्यों में उसे करना पड़ेगा हार का सामना। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल में होने। भारत ने दूसरे T20 में इंग्लैंड को हराया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आसानी से 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल की। विराट कोहली और ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी। डेब्यू मैच में ईशान किशन की धमाकेदार 50-50। ये थे फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा